एक बार की बात है, एक गांव में एक बेहद ही गरीब किसान रहा करता था, जिसके पास एक आम का पेड़ और तीन बेटों के अलावा और कुछ नहीं था। पूरे राज्य में वो एक ही ऐसा पेड़ था जिस पर बेहद स्वादिष्ट आम उगते थे, जो उस राज्य के राजा को भेंट के रूप में भेजे जाते थे, क्योंकि राजा को वो आम बेहद ही पसंद थे। एक दिन किसान ने अपने बेटों को कहा कि वो आम से भरी एक टोकरी राजा के पास भेंट में लेकर जाए। उसने एक टोकरी में पेड़ से तोड़कर कुछ आम रखे और उन्हें पत्तियों से अच्छे से ढक दिया और अपने सबसे बड़े बेटे को देते हुए कहा, तुम ये टोकरी लेकर राजा के पास जाओ और ध्यान रहे, इसमें से एक भी आम मत खाना और ना ही किसी को चोरी करने देना। इन्हें सही सलामत राजा तक पहुंचाकर आना तुम्हारा काम है। मुझे मालूम है कि चीजों का ध्यान कैसे रखा जाता है, आप इसकी फिक्र ना करें। उसने वो टोकरी उठाई और महल की ओर चल दिया। पतझड़ का मौसम था और बाहर भरी दोपहरी का समय था। सूरज बहुत तेज चमक रहा था। कुछ देर बाद चलते चलते वो दूर एक झरने के पास जा पहुंचा और उसने थोड़ा पानी पीकर थोड़ी देर आराम किया। तभी एक बूढ़ी औरत के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। वो उस झरने के पास बैठकर बर्तन धो रही थी। तभी अचानक रुकते हुए वो बोली, बहुत ही अच्छा दिन है मेरे बच्चे, लगता है तुम कुछ भारी सामान ढोकर ले जा रहे हो। तुम्हारी इस टोकरी में क्या है? कुछ नहीं, बस सड़क का कूड़ा कचरा है। सड़क का कचरा? अगर तुम बोल रहे हो तो सच में होगा। इतना कहते हुए वो बूढ़ी औरत फिर से गुनगुनाते हुए अपने बर्तन साफ करने लगी और वो लड़का महल की ओर चल दिया। जैसे ही वो महल में पहुंचा तो राजा ने उसका स्वागत किया और बोला, तुम जरूर मेरे लिए अपने पिता के बगीचे से आम साथ लाए हो, है ना? जी महाराज। ये सुनकर राजा बेहद ही प्रसन्न हुआ। फिर किसान के बड़े बेटे ने वो टोकरी राजा को भेंट कर दी। मगर जैसे ही राजा ने उस टोकरी से पत्तियां हटाई तो उसमें उसे कचरा मिला। ये देख राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत ही उस लड़के को इस अपराध के लिए जेल में डाल दिया। एक साल बीत जाने के बाद जब किसान का बड़ा बेटा घर पर वापस नहीं लौटा, लगता है राजा ने तुम्हारे बड़े भाई से बेहद खुश होकर उसे महल में कोई ऊंचा पद दे दिया है, जिससे वो बेहद धनी हो गया होगा। पिताजी, क्या मैं भी आम की टोकरी लेकर राजा के पास जा सकता हूँ, जिससे वो प्रसन्न होकर मुझे भी धनी बना दे? फिर मैं भी आपको ढेर सारा धन भेजकर धनी बना दूंगा। बहुत खूब मेरे बेटे, मैंने पूरी जिंदगी तुम लोगों को पालने के लिए कड़ी मेहनत की है, मगर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब तुम्हें ही मेरा ख्याल रखना है। इतना कहते हुए किसान ने आम से भरी टोकरी अपने दूसरे बेटे को पकड़ा दी और वो लड़का टोकरी लेकर महल की ओर रवाना हो गया। मौसम गर्म होने की वजह से उसे थकान और प्यास महसूस होने लगी। वो थककर उसी झरने के पास जा बैठा और पानी पीकर सुस्ताने लगा। कुछ देर बाद वही बूढ़ी औरत वहां आई और पहले की तरह ही ऊंची आवाज में गुनगुनाते हुए अपने बर्तन साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद रुककर उसने किसान के दूसरे बेटे से भी वही सवाल पूछा, लगता है तुम कुछ भारी सामान ढोकर ले जा रहे हो, तुम्हारी इस टोकरी में क्या है? लड़के ने अपने बड़े भाई की तरह ही जवाब दिया, कुछ नहीं, बस सूखी लकड़ियां हैं। सूखी लकड़ियां? अगर तुम बोल रहे हो तो सच में होगा। इतना कहकर बूढ़ी औरत फिर से गुनगुनाते हुए बर्तन साफ करने लगी। उधर किसान का दूसरा बेटा आम की टोकरी लिए महल में पहुंच गया और जैसे ही उसने वो टोकरी राजा को भेंट की तो उसमें से उसके पिता के दिए आम नहीं बल्कि ढेर सारी सूखी लकड़ियां भरी हुई थी। इस घटिया मजाक के लिए राजा के सैनिकों ने तुरंत उसे जेल में डाल दिया। इस तरह एक साल और बीत गया। वहाँ किसान को चिंता होने लगी।
तब उस किसान ने अपने सबसे छोटे बेटे को पास बुलाया, जिसे सब लोग ना समझ समझते थे और उस पर हंसते थे। अगर मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हें तुम्हारे भाइयों का हाल पता करने के लिए महल भेजूं, तो क्या तुम जाओगे? हाँ पिताजी, मैं जरूर जाऊंगा और अपने भाइयों का पता जरूर लगा कर आऊंगा। तब किसान ने उसे आम की एक टोकरी तैयार करके दी। वो टोकरी लेकर महल की ओर चल दिया। रास्ते में उसे उसी झरने के पास वही बूढ़ी औरत गुनगुनाते हुए मिली। लगता है तुम कुछ भारी सामान ढोकर ले जा रहे हो। तुम्हारी इस टोकरी में क्या है? मेरी इस टोकरी में आम है, जिन्हें मैं राजा को भेंट करने के लिए महल ले जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारी यात्रा सफल हो। इतना कहकर बूढ़ी औरत गुनगुनाती हुई चली गई और वो लड़का महल की ओर रवाना हो गया। जैसे ही लड़का महल पहुंचा और उसने वो टोकरी राजा को भेंट करनी चाही, तभी राजा की बड़ी बेटी बोली, कौन है? क्या फिर कोई कूड़े की टोकरी लिए पिताजी का अपमान करने आया है? नहीं नहीं, मैं तो अपने बगीचे के सबसे स्वादिष्ट आम साथ लाया हूँ राजा को भेंट करने के लिए। हाँ हाँ, और लोगों ने भी यही कहकर महाराज को कूड़े की टोकरी भेंट करके उनका अपमान किया था। लेकिन राजकुमारी, एक बार आप मेरी टोकरी में तो देखिए, आपको विश्वास हो जाएगा। राजकुमारी ने टोकरी से पत्तियां हटाकर देखा तो उसने पाया कि सभी आम सोने के हैं, जिसे देख वो लड़का, राजकुमारी और राजा सहित सभी सैनिक हैरान हो गए। तभी राजा बोला, मांगो जो तुम्हें मांगना है, तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। मुझे बस अपने दोनों भाइयों के बारे में जानना है, जो आपके महल में सालों से काम कर रहे हैं। तुम्हारे दोनों भाई जेल में हैं, क्योंकि उन दोनों ने झूठ बोला और मेरा अपमान किया। लेकिन तुम्हें मैंने वादा किया है कि तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, इसीलिए मैं उन दोनों को छोड़ता हूँ। सभी भाई एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए और अपने घर की ओर चल दिए। तो बताओ बच्चों, आज की इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से सिर्फ नुकसान ही होता है और सच बोलने से सदैव फायदा।